इस कार्यक्रम के पुण्य हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बकलीवाल की स्मृति में घीसुला धनराज विमला देवी पन्ना लाल उषा देवी हुकुम चंद गुंडमाला महेंद्र अलका सुरेंद्र वैशाली प्रवीण मोनिका नरेंद्र विनीता राजेंद्र सारिका विनय प्रज्ञा अमित सपना अनुराग सोनल रौनक मानसी अनिश हर्षिता वर्धमान अक्षांशी रोहित विज्ञम अधिराज ऐसे आरिन एवं समस्त वाकलीवाल परिवार जैन ग्रुप गगराना वाले इचल करंजी मुंबई अहमदाबाद भीलवाड़ा जयपुर संसार में भटकते हुए प्राणी के लिए करुणा कृपा करके आचार्यों ने कल्याण का रास्ता बतलाया है गुरु की कृपा गुरु की करुणा प्राणी मात्र के लिए होती है अब उस कृपा करुणा से कौन कौन लाभान्वित होते हैं उनके भाग्य और उनके पुरुषार्थ पर आधारित है मेघ बारिश करते हैं पानी किसके खाते में जाएगा यह तो उसके पुरुषार्थ पर है मेघों ने जल बरसाया अब अगर आपने अपने बर्तनों में पानी भर लिया तो भर लिया और बरसते हुए पानी को देखते रहे और पानी बरस करके बह गया तो तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं रहा ऐसे ही संतजन गुरुजन प्राणी मात्र को निमित्त बना करके के उपदेश देते हैं अब उनके उपदेश से कौन कौन लाभान्वित हो जाता है कौन कौन उनके उपदेश को पकड़ लेता है यह उसके भाग्य और पुरुषार्थ की बात है चार गतियों में देवों की गति तो सुख सुविधाओं वाली है नारकियों की गति हर तरफ से दुख के वातावरण वाली है त्रियंचों की गति भी एक तरह से कष्टदायी और दुखों को देने वाली है मनुष्य की गति सुख और दुख दोनों की मिश्रित अवस्था वाली है क्या मनुष्य की गति सुख और दुख दोनों की मिश्रित अवस्था वाली गति है कल्याण करने के लिए श्रेष्ठ गति तो मनुष्य गति ही है मनुष्य गति के बगैर किसी का कल्याण संभव नहीं है आत्मा को परमात्मा बनाने की पद्धति आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना मनुष्य पर्याय में ही है सदबुद्धि सदज्ञान, सदाचार श्राव श्रवणाचार स्वाध्याय संलेखना समाधि ये सब मनुष्य गति मनुष्य पर्याय में ही संभव है ऐसी मनुष्य पर्याय को पा करके इस पर्याय को धन्य कर लेना चाहिए पर्याय तो मनुष्य की मिल गई लेकिन उसका उपयोग नहीं किया तो परिणाम क्या निकलेगा आप आकृति से तो मनुष्य बने रहे प्रकृति स्वभाव से मनुष्य नहीं रहे क्या आकृति यानी ढांचा ढांचा तो तुम्हारा मनुष्य का है लेकिन प्रकृति मनुष्यता की नहीं है आकृति से ज्यादा महत्व प्रकृति का है प्रकृति यानी स्वभाव प्रकृति यानी अंदर का परिणाम और आकृति यानी ढांचा आकार प्रकार आकार प्रकार तो कोई भी बना देगा पत्थर में बना देगा लकड़ी में बना देगा लेकिन पत्थर लकड़ी के आकार में मनुष्यता थोड़ी मिलेगी जीती जागती मनुष्यता तो मनुष्य के ढांचे में प्रकृति से आने वाली है और देखो नीतिकार भी क्या क्या बातें करते हैं मनुष्य होकर के भी ऐसा लगेगा जैसे नरक में हो मनुष्य होकर के भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नरक में हो कब लगेगा चाणक्य ने एक नीति लिखी है अत्यकोपा कटुकाच वाणी दरिद्रता स्वजन शु नीच नीच कुलहीन सेवा चिन्ना देहे नरकस्थिता अत्यकोपा कटुकाच वाणी दरिद्रता चजनषु बैरम नीच प्रसंग कुलन सेवा चिन्ह क्रोध नरकस्थिता अत्यंत क्रोध करना अत्यंत क्यों लगाया क्योंकि क्रोध एक सामान्य होता है और उसमें अत्यंत और लगा दिया जाए अत्यंत क्रोध करना प्रचंड बात बात में भड़कना ऐसे होते हैं हा क्रोधी बहुत ज्यादा अत्यंत कोपहा अत्यंत क्रोध करना कटुकाचे बानी कटुक वचन बोलना कड़वे वचन बोलना मुख से कभी मीठे बचन निकलते ही नहीं रूखे कर्कस कठोर कटुक ऐसे ही निकलते हैं ऐसे ही वचन निकलते रहते हैं कटुक कठोर ऐसे बचन अच्छे बचन नहीं माने जाते हैं कटुक बचन बोलना निर्धनता दरिद्रता अब दरिद्रता है कोई साधन नहीं कोई सुविधाएं नहीं तो ऐसे ही समझो जैसे नरक में रह रहे हो ना कहीं अच्छे से बैठ सकते न उठ सकते न किसी के बीच में कुछ कर सकते दरिद्रता भी ऐसी ही मानो जैसे नरक का वास हो स्वजनों से बैर अब बताओ स्वजनों से बैर दूसरों से फिर भी प्रेम व्यवहार हो जाए लेकिन अपने ही घर में अपने ही कुटुम्ब में पिता का पुत्र से बैर चलता है पुत्र पिता की बात नहीं मानता पिता पुत्र की बात नहीं मानता भाई भाई की नहीं सुनते हैं तो परिवार में ही बैर भाव स्वजनों में बैर भाव कुटुम्ब में बैर भाव नीचों का संग अब निम्न जातियों की संगति में आ गए तो उनका जैसा खान पान जैसा चलन है आप पर उसका उनका रंग लगेगा ही लगेगा जैसी संगत वैसी रंगत रंगत बनती है संगत के अनुसार असज्जन की सेवा करना असज्जन की सेवा मतलब दुर्जन की सेवा करना सज्जन की सेवा तो अच्छी बात है लेकिन सज्जन को छोड़ करके दुर्जन की सेवा में लगना इसका मतलब क्या है ऐसा अगर हो रहा है ये सब नरक में रहने वालों के लक्षण हैं कहाँ रहने वालों के लक्षण हैं? नरक में रहने वालों के लक्षण हैं बताओ है तो मनुष्य मनुष्य की पर्याय है मनुष्यों के साथ रह रहा है लेकिन अगर इस तरह का है कोई व्यक्ति तो समझो वह नरक में रहने वाला है उसे नारकी ही मानो किन किन लक्षणों को लेकर के अत्यंत क्रोध करना कटु वचन बोलना निर्धनता स्वजनों से वैर नीचों का संग और असज्जन की सेवा करना कुलहीन सेवा नीच प्रसंग स्वजनेशु वैरम दरिद्रता चटुका चानी अत्यंत को पहा चाणक्य ने लिखे हैं चाणक्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और उन्होंने नीति शास्त्र भी लिखे हुए हैं उन्हीं में से एक नीति श्लोक का उल्लेख यहां पर किया गया है मुझे याद आ गया तो मनुष्य की पर्याय जो मिली है इस पर्याय की महिमा इतनी बतलाई गई है नारायण 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 नर साधना इंद्रपद ने भी की इसकी आराधना नर से ही नारायण बना जाता है और नर से नारायण बनना तो ठीक है ही वो तो है ही बन जाते हैं नर से नारायण लेकिन नर से नारायण बनकर के निरंजन भी इसी पर्याय से बना जाता है निरंजन बनने के बाद कुछ बनने की जरूरत नहीं है निरंजन बनना अंतिम उद्देश्य है अभी आप अंजन में लगे हो मंजन में लगे हो व्यंजन में लगे हो बताओ अंजन मंजन व्यंजन मनोरंजन सब में लगे हुए हो लेकिन निरंजन नहीं बन पाए अंजन आंखों में आंज रहे हैं मंजन दांतों पर चल रहा है व्यंजन खाद्य सामग्री जिह्वा में लगे हुए हो और मनोरंजन मन को खुश करने में लगे हुए हो फिर निरंजन की बात कब करोगे भैया निरंजन की बात करना भी जरूरी है निरंजन सिद्ध परमात्मा को कहा जाता है किसको कहा जाता निरंजन सिद्ध परमात्मा को कहा जाता है हाँ क्या कहा जाता है निरंजन सिद्ध परमात्मा को कहा जाता है सिद्ध परमात्मा बन गए फिर लौट करके आने की जरूरत नहीं है निरंजन अलख निरंजन कहते हैं ना क्या कहते हैं अलख निरंजन अलख निरंजन अलख मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसे निरंजन सिद्ध परमात्मा अलग हैं जिनको हम आँखों से देख नहीं सकते हैं इस तरह से अलग निरंजन की बात निरंजन बनने की बात यहाँ पर की जा रही है मनुष्य गति एक चौराहे की तरह है जिस चौराहे से सब तरफ आगे बढ़ा जा सकता है स्वर्ग की सीमाएं हैं देवगति में देव मरण करके देवी देवता पुनः देवी देवता नहीं बन सकते और देव नारकी भी नहीं बन सकता देव पद से डायरेक्ट मोक्ष भी नहीं हो सकता नारकी मर करके नारकी नहीं बन सकता नारकी मर करके स्वर्ग में नहीं जा सकता नारकी मर करके मोक्ष नहीं जा सकता त्रियंच मरण करके नारकी भी बन सकता है स्वर्ग भी जा सकता है त्रियंच भी बन सकता है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता मनुष्य मरण करके मनुष्य से मनुष्य बन सकता है मनुष्य मरण करके देव भी हो सकता है मनुष्य मरण करके नारकी भी हो सकता है और मनुष्य मरण करके सिद्ध परमात्मा भी बन सकता है मनुष्य गति के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं मनुष्य मरण करके मनुष्य से मनुष्य हो सकता मनुष्य से देव मनुष्य से नारकी मनुष्य से त्रियंज और मनुष्य से अगर मुनि बन गया तो मोक्ष भी जा सकता है ऐसा ये सिद्धांत है मनुष्य पर्याय सामान्य बात नहीं है भैया अभी अपन को सामान्य लग रही है अभी तो सामान्य का एक समस्या भी लग रही है मनुष्य पर्याय पाकर के आदमी त्रस्त हो जाते हैं सोसाइट करने का सोचने लगते हैं मरने की सोचने लगते हैं कुछ भी करने का भाव करने लगते हैं ये परेशानी के कारण हैं और परेशानी दूर हो जाए परेशानी दूर हो जाए तो कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता इसलिए मनुष्य की पर्याय बड़ी महत्वपूर्ण है इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करो संयम को प्राप्त करो नियम संयम का पालन करो आज देश में रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है प्रधानमंत्री जी ने ग्यारह दिन की साधना की है उन्होंने खुद अपने उल्लेख में कहा कि मैं इन दिनों बड़ी साधना में चल रहा हूँ आज उनका वक्तव्य सीधा सीधा थोड़ा सा मुझे सुनने में आया और उन्होंने स्वीकार किया मैं तपस्या कर रहा हूँ देश का प्रथम नागरिक इतनी बड़ी जवाबदारियाँ लेकिन कितना बड़ा समर्पण है उनके मन में कि वो अपने भारत के लिए अपनी भारतीय संस्कृति के लिए कुछ करें और उन्होंने जो किया है वह भारत के लिए भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम किया है बहुत बड़ा काम किया है ऐसे देश में धार्मिक परंपराएं सात्विक विचारधारा सहिष्णुता समता समन्वय के सिद्धांत आगे बढ़ते रहने चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सभी को सफल बनाना चाहिए मनुष्य की पर्याय सेवा और सहयोग के लिए है नदी अपने पानी अपने लिए नहीं रखती है दूसरों को देती है वृक्ष अपने फलों को अपने लिए नहीं रखते हैं दूसरों को देते हैं गाय अपने दूध को अपने लिए नहीं रखती है दूसरे को देती है ऐसे ही मनुष्य की इस पर्याय से हम दूसरों का जितना सहयोग कर सकें उतना सहयोग करने की ज़रूरत है और यही मनुष्य पर्याय की सार्थकता मानी जाती है मनुष्य पर्याय की सार्थकता के लिए हमको अपने स्वार्थों का त्याग करना पड़ेगा मनुष्य में स्वार्थी वृत्ति एक बहुत बुरी आदत है एक बार स्वार्थी वृत्ति आ जाए तो मनुष्य अपने सारे धर्मों को छोड़ देता है स्वार्थ वृत्ति से हट करके मनुष्य मानवता के काम करने के लिए आगे बढ़े यही हमारी भारतीय संस्कृति मानी गई है और ऐसी भारतीय संस्कृति में नियम संयम तप तपस्या का बड़ा महत्व है बड़ा महत्व है नियम संयम तप तपस्या का बड़ा महत्व है आचार्यों ने मुनियों ने ऋषियों ने जंगलों में रह करके बनों में रह करके गुफाओं में रह करके सर्दी गर्मी को सहन करते हुए भूख प्यास को सहन करते हुए प्रकृति की बाधाओं को सहन करते हुए त्रियंचों की बाधाओं को सहन करते हुए अपने लिए और मानवता के लिए बहुत कुछ किया है बहुत कुछ किया है अपने लिए भी किया है और समूची मानवता के लिए भी किया है और यही कार्य उनके जीवन को यशस्वी बनाने वाले हैं ऐसे मानवता के कार्य करने वालों का स्मरण करना चाहिए और उनकी वंदना करनी चाहिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी पन्ना लाल उषा देवी हुकुम चंद गुंडमाला महेंद्र अलका सुरेंद्र वैशाली प्रवीण मोनिका नरेंद्र विनीता राजेंद्र सारिका विनय प्रज्ञा अमित सपना अनुराग सोनल रौनक मानसी अनिश हर्षिता वर्धमान अक्षांशी रोहित विज्ञम अधिराज ईशय आरिन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार जैन ग्रुप गगराना वाले इचल करंजी मुंबई अहमदाबाद भीलवाड़ा जयपुर